पहला दिन इस्तांबुल के अंदर, अभी मैं आ चुका हूँ इधर की जो रेलवे है उससे मैं आया हूँ, अनकरा से इधर आ गया हूँ इस्तांबुल में, और ये फर्स्ट मेरा डे है। तो मैंने अभी यहाँ पे मैंने इनका मेट्रो का कार्ड बनवाया जो कि 100 लीरा इसने मशीन में डलवाया, मतलब 50 इस कार्ड के चार्ज है, 50 इसके अंदर आपका हो गया डिपॉजिट। बाकी तो दिखाओ मंजर, कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। यही सही, अभी हम आ गए हैं गलाता कुलसी यानी कि गुलाता टावर, ओल्ड टावर इनका कहलाता है। अच्छा जी, ये देखे माशाल्लाह कितना बड़ा है, और ये ऊपर से क्या, ये देखते होंगे कि भाई कहाँ से फौजी आ रही है, है ना। और आज मौसम भी बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारे सफीर भाई और हमारे फरहान भाई हमारे साथ साथ हैं आज। माशाल्लाह ये नज़ारा देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये अभी हम ऊपर आके खड़े हैं और ये नीचे पानी है और पूरा ये शहर का नज़र आ रहा है ऊपर से, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत। अच्छा, यहाँ लोग आराम से बैठे हुए हैं अपनी नशिस्तों पे, ताकि ये है कि यहाँ पे फुली इंजॉय करें। आप क्या कहते हैं, आप इस पे क्या तासुरात देंगे अपने फरहान भाई? अच्छा, इस्तांबुल है ये, टूरिस्ट प्लेस है ये, सही, खूबसूरत है माशाल्लाह। अभी एक और जगह पे आ गए, यहाँ ये ब्रिज नज़र आ रही है, अब मुझे नाम तो नहीं पता है कौन सी ब्रिज है, वो आप खुद भी निकाल लीजिएगा। एक ये बैक साइड पे और ये बैक कैमरा मैंने किया है, ये एक और ब्रिज है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर मछलियाँ का शिकार कर रहे हैं, लोग तो यहाँ पे भी लगे पड़े, वो देखो ना कितनी सारी मछलियाँ पकड़ी भी हैं इन्होंने काफ़ी सारी, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी जगह है। और देखिए मस्जिद भी है यहाँ पे सामने भी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें बनी हुई हैं, माशाल्लाह मस्जिदें बहुत प्यारी प्यारी बनाई हैं, और कश्तियाँ बहुत चल रही है इधर, जो कि ये पुलिस वाली कश्ती भी है इधर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है भाई, बहुत खूबसूरत, दिल खुश हो गया और पैसा वसूल है इधर। तो मैं तो यही कहूँगा जब भी हो टर्की आना हो लाजमी इस्तांबुल लाजमी आए और चेक करें इस्तांबुल को, और यहाँ बाइकर्स की बाइकें भी खड़ी हुई काफ़ी सारी। अच्छा, मुझे इस ब्रिज की एक और अच्छी बात लगी कि इसके दो फ्लोर्स हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, जो ऊपर फ्लोर है उस पर ये मेट्रो भी है, मेट्रो पे भी आप बैठ सकते हैं यहाँ से, जो कि इसका सामने जो वो आप दिख रहा होगा आपको वहाँ से ना, वहाँ से गेट बना हुआ। अच्छा, बट यहाँ सेफ्टी नहीं है, जैसे दुबई के अंदर में सेफ्टी है कि शीशा लगा होता है, जब तक मेट्रो आ नहीं जाती जब तक खुलता नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज है दूसरा दिन इस्तांबुल के अंदर, ये अभी है हम तकसीम स्क्वायर और यहीं पे मैंने अपना होटल लिया है, अभी हम यहाँ से लेंगे कोई एक वैन लेंगे और जाएंगे ग्रैंड बाजार। ये अभी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और गाड़ी है इस तरीके से छोटी सी, मैं बिल्कुल पीछे की तरफ बैठ गया, और ये 10-10 लीरा लेगा यहाँ से वहाँ तक के जाने के लिए। हम ग्रैंड बाजार पहुंच चुके हैं और ये स्टार्टिंग है यहाँ से ग्रैंड बाजार की, तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर क्या क्या यहाँ मिलता है, क्योंकि बाहर से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर ये शटे वटे हैं और रिप्लिका ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे ना, जैसे कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके कॉपीज़ हैं यहाँ पे ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं परफ्यूम्स हैं, स्वीट्स है। अभी हम ये गेट से गुजरेंगे अंदर, यह है जी ग्रैंड बाजार। भाई अभी हम आ गए हैं ग्रैंड बाजार के बाहर, ये देख लो भाई
भाई कहाँ पे अभी हम? अभी हम गैंगवे से बस जस्ट आउट हुए हैं इधर भाई। अच्छा, और ये कौन सी जगह है? ये जा रहे हैं हम हो गए सोफे की तरफ जा रहे हैं अभी, ये सीधी जो ना उधर जाएगी अभी। देखे मैप, ये भी सिटी है। पता नहीं क्या अजीब सा नाम लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। टर्किश नेम है ना? हाँ, टर्किश नेम है। तो ये अभी कोई है स्ट्रीट, बट इसके स्ट्रेट हम जाएंगे तो हाया सोफिया आएगी। आज हमारा है सेकंड डे इस्तांबुल के अंदर, तो अभी हम आए हुए हैं हाया सोफिया। अच्छा, मेरे साथ फरहान भाई है और सफीर भाई भी है। सफीर भाई हाथ हिला दिए। तो अभी हम लोग इधर आए हुए, इंशाल्लाह आपको आगे चल के सारा दिखाते हैं। ये सामने आपके है हाया सोफिया और बहुत बड़ी मस्जिद है ये। आपको वीडियो में तो थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी, बट अब अगर आप इसको लाइव देखेंगे तो बहुत बड़ी मस्जिद है। बहुत सख्त धूप हो रही है और अभी लाइनों में हम आके खड़े हो गए। क्या भाई मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है माशाल्लाह। इंटर तो हो चुके हैं और पहले पहले तो हमें ये सामने दिख रहा है, ये लोग काफ़ी पानी पी रहे हैं और हाथ मुंह धो रहे हैं यहाँ पे। उससे आगे चलते हैं, सिक्योरिटी बहुत है अच्छी यहाँ पे। भाई टिकट का हिसाब है? टिकट है तो ये क्या कर रहे हैं फिर ये लोग? अच्छा, स्कार्फ ले रहे होंगे। सही 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 सही, ये तो बहुत अच्छा है कि क्योंकि देखो ना भाई, रिलीजियस वाइज तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी यहाँ टूरिस्ट आते हैं ना यूरोपियंस, तो उनके लिए स्कार्फ का यहाँ बंदोबस्त है, स्कार्फ ले सकते हैं। बाकी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह। क्या तासुरात है आपके भाई? खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। सर आप बताइए। बहुत अच्छा जगह है जी, आना चाहिए लोगों को। आना चाहिए सब लोगों को, विजिट करना चाहिए जिंदगी में एक बार, लाजम है। लाजम हो गया जी। ये अभी हम अंदर की तरफ आ गए और ये मस्जिद इस तरीके से बनी हुई है और ये सारे हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है इनकी, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत। और पब्लिक तो बहुत ज़्यादा आई हुई है इधर माशाल्लाह। ये देखें दरवाज़ा कैसा बना हुआ है, पुराने वक्तों का बना हुआ ये। अच्छा जी, यहाँ पे आपने शूज़ अपने उतारने, देन फिर आप अंदर जा सकते। बहुत ही बड़ी मस्जिद है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी मस्जिद। मैं तो देख के हैरान हो गया। आज ही हुआ जाता है लंच का टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा आ गए, क्योंकि अब तक तो हमारे को कोई भी खाना इनका समझ नहीं आया। ये अब देखते हैं इंशाल्लाह पिज़्ज़ा खा के फिर आपको बताते हैं कि यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है। ये भाई इधर की भीड़ है बहुत ज़्यादा, वो देख रहे हैं आप, रश बहुत ज़्यादा, रश है इधर। अभी हम कहाँ पे आ गए? हस्करे, ये देख सकते हैं आप बैक साइड पे, हस्करे बाजार है ये सारा। किस तरफ? देख रहे हैं आप पब्लिक कैसी आ रही है। बहुत हम आगे से आ रहे हैं पर बाजार यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, बाजार बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पे। जैसे कि दुबई के अंदर भी ये आपको मेडिसिन की मार्केटें मिल जाती हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो खाने मिलते हैं वो इस तरीके के ये मिलते हैं, या आप देख सकते हैं पिज़्ज़े इस तरीके के ये हैं, और ये रेस्टोरेंट ज़्यादातर ऐसे ही हैं। बट ये है कि खाने इतने जैसे हम क्योंकि पाकिस्तानी लोग तो मिर्च मसाले पसंद करते हैं, तो यहाँ पे इतना मिर्च मसाला नहीं होता, तो इसलिए टेस्ट लेस है थोड़े खाने ना हमारे मुताबिक। बाकी आप आके चेक करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। बाकी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि अगर बोला जाए कि भाई ज़्यादा पड़ रहा है, दुबई के लिहाज से सेम ही है। कुछ बोल रहे थे आप? हमारे साथ टूर गाइड है, टूर गाइड हमको हर जगह लेकर जाता है। हाँ,
अच्छा टूर गाइड है। अच्छा, यानी कि आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अच्छा, देख ले भाई, मुफ्त में पब्लिसिटी हो रही है आपकी। भाई यहाँ पे ये देख रहे हैं शैम्पू कैसे लगे हुए और ये प्राइस है। टर्की का वीजा चाहिए और मुझसे रब्ता करें, स्मार्ट उसको उसकी अच्छी प्रोफाइल प्रोवाइड करके उसको टर्की का वीजा लेके दूंगा। सही, मैं इनका आपका नंबर डाल दूं? पक्का, मैं इनका आपको नंबर दे दूंगा तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं जिसको भी टर्की का वीजा, क्योंकि मैंने पहले भी फरहान भाई है इनका नाम, फरहान भाई से पहले भी मैंने अपना काम करवाया, अजरबैजान का करवाया था, जॉर्जिया का करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा, अभी टर्की का भी माशाल्लाह बिल्कुल सही रहा है। इनका मुझे जो लग रहा है ना, ये क्लॉक टावर होगा। अभी यहाँ से हम रोड पार करेंगे इंशाल्लाह। नहीं भाई, बात सही कर रहे हो आप, या तो हमें आगे जाना पड़ेगा थोड़ा। देखो भाई, देख के अभी इतनी जल्दी इतनी सी उम्रों में जाना चाह रहे हो तुम लोग क्या? उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ये आज सेकंड डे था हमारा, इंशाल्लाह कल थर्ड डे की जो भी हम वीडियोस बनाएंगे, जो ब्लॉग बनेगा वो इंशाल्लाह आप देखिएगा, और होप्स हो कि आपको वो भी अच्छा लगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी क्या करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।